नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से बता रहे हैं। बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर यह है कि मेरठ में सेक्स रैकेट चलने की खबर है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक मकान पर छापा मारा है और इस मकान से मकान मालिक समेत 6 युवक और 2 महिला सेक्स वर्कर को हिरासत में लिया है। ये बड़ी और बेहद अहम खबर। कई दिनों से इस मकान में सेक्स रैकेट चलने की सूचना रही थी। थाना लिसाड़ी गेट इलाके के समर गार्डन कॉलोनी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां एक तरफ पूरे देश में लॉकडाउन है, पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, लोगों से एक दूसरे से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। वहीं मेरठ के समर गार्डन कॉलोनी का ये पूरा मामला है, जहाँ पर एक सेक्स रैकेट का खुलासा पुलिस ने किया है। एक मकान पर छापा मारकर पुलिस ने यहाँ से 6 युवक और में एक मकान मालिक को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 2 महिला सेक्स वर्कर को भी हिरासत में लिया है। पड़ोस वाले मकान में रैकेट चल रहा था और वो जो है हफ्तों से चल रहा था। एक दिन रात में 10 बजे भी था, लेकिन हमने चाहा नहीं उस टाइम। लेकिन मौके में महल्ले ने पूरे ने देख के, हमारे पास फुटेज वगैरह सब चीज़ हैं, पूरे महल्ले ने देख के जब जाके इसको पूरे को घिराव करके जब पकड़ा। मैं भैया, मेरा एक वो आ गए थे मेरे भाई जी, हम दोनों जने बाहर बैठे थे चौतरे पे, तो एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी पे 5 जने आए और आने के बाद में वे अंदर चले गए उस मकान में हाजी जी के में। उसके बाद में एक लड़का बाहर निकला जो हरी पट्टी वाला है, उसने जो ना मोटरसाइकिल ले जाकर 2 लेडीज़ों को लाया, एक बुरखे में थी एक लाल कपड़ों में, जो अब मौजूद है यहाँ पे, वो अंदर चली गई। फिर मैंने अपने सहज महल्ले वाले इकट्ठे कर लिए आसपास के, ताकि कोई नूना कह दे भाई तुमने बताई नहीं। तो फिर हमने ये मशवरा करके फिर जब हम अंदर गए, इस बात में इतने टाइम में कम से कम हमें जो ना आधा पौना घंटा लग चुका था इतनी बात। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां पर सेक्स रैकेट चलने की खबर आई है और पुलिस ने छापेमारी करके 6 युवक समेत 2 महिला सेक्स वर्कर को हिरासत में लिया है। एन भरत आपसे अपील करता है कि कोरोना महामारी के इस दौर में कोई भी ऐसा काम न करें जो सबके लिए घातक हो, इस देश के लिए घातक हो।